21 तारीख को प्रधानमंत्री जी बनारस से वर्चुअली जुड़ेंगे और यहाँ रीवा एयरपोर्ट के साथ साथ देश के और भी 6 या 7 एयरपोर्ट हैं जिसका वो उद्घाटन या भूमि पूजन करेंगे। रीवा एयरपोर्ट का 21 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया जाएगा। इस एयरपोर्ट से शुरुआत में रीवा से भोपाल के बीच 72 सीटर हवाई जहाज सेवाएं मिलेंगी। इसका विस्तार भविष्य में अन्य बड़े शहरों तक किया जाएगा। इससे विंध्य क्षेत्र के पर्यटन, शिक्षा और उद्योगों को लाभ मिलेगा। रीवा जिले के लोगों के लिए यह बड़ी खुशखबरी है। पीएम नरेंद्र मोदी 21 अक्टूबर को रीवा एयरपोर्ट उद्घाटन करने वाले हैं। यह कार्यक्रम बनारस से वर्चुअली होगा और रीवा एयरपोर्ट परिसर में एक समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर सीएम मोहन यादव सहित कई दिग्गज नेता भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इस महत्वपूर्ण परियोजना की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा एयरपोर्ट का दौरा किया। उन्होंने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। रीवा एयरपोर्ट के शुरू होने से विंध्य क्षेत्र के लोगों को काफी फायदा होगा। शुरुआत में रीवा से भोपाल के लिए 72 सीटर विमान सेवा शुरू होगी। बाद में इसे दिल्ली, इंदौर, बैंगलोर और अन्य बड़े शहरों से भी जोड़ा जाएगा। डिप्टी सीएम शुक्ल ने कहा कि रीवा एयरपोर्ट विंध्य क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। यह क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और मेडिकल, इंजीनियरिंग, शिक्षा, व्यापार और उद्योगों को भी गति मिलेगी। रीवा और शहडोल संभाग के लोगों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। इसके अलावा को रीवा शहर में आगामी दिनों में क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन का आयोजन भी किया जा रहा है। ये कार्यक्रम 23 अक्टूबर को आयोजित होगा। उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर और सागर के बाद 5वां ऐसा सम्मेलन होने जा रहा है। रीवा एयरपोर्ट के शुरू होने से क्षेत्र में कनेक्टिविटी में सुधार होगा और मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे स्थानीय लोगों और व्यापारियों को काफी सुविधा होगी। ये कब है एयरपोर्ट के उद्घाटन की? आपने आज बैठक ली है, क्या निर्देश दिया अधिकारियों को, कब उद्घाटन है? 21 तारीख को प्रधानमंत्री जी बनारस से वर्चुअली जुड़ेंगे और यहाँ रीवा एयरपोर्ट के साथ साथ देश के और भी 6 या 7 एयरपोर्ट हैं जिसका वो उद्घाटन या भूमि पूजन करेंगे और यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे और सिंधिया जी को भी आमंत्रित किया है, हमारे प्रभारी मंत्री रहेंगे और यहाँ हम लोग जुड़ेंगे और प्रधानमंत्री जी वर्चुअली लोकार्पण करेंगे 21 अक्टूबर को।